हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का 13th चैप्टर जेंडर ऑफ नाउंस एंड प्रोनाउंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स के जेंडर बताए थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर। ये 3 टाइप्स के जेंडर्स के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि जब नाउंस की जगह जेंडर का यूज कैसे होता है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं, और प्रोनाउन का यूज किस तरह से होता है। प्रोनाउंस के यूज में हमने पढ़ा था जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, देम, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। तो ही प्रोनाउन का यूज बॉय के लिए होता है, शी प्रोनाउन का यूज गर्ल के लिए होता है, इट प्रोनाउन का यूज थिंग्स एंड लाइफलेस चीजों के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है इट प्रोनाउन का यूज, और इसके अलावा देम, दे, ये प्रोनाउंस का यूज भी होता है, जिनके कुछ रूल्स भी हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, आप या तो बुक में से इसको रीड कर सकते हैं फिर से, या फिर वो प्रीवियस वीडियो में देखकर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमने इसके मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स भी पढ़े थे, ये वाले वर्ड्स जो इसमें नीचे दिए हुए हैं, ये वाले कुछ वर्ड्स भी हमने यहाँ पर ये पढ़े थे। ठीक है, एंड टुडे वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज। सो इट्स बैक एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 38, प्रैक्टिस टाइम 13.1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। द वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द, वो वर्ड जो मेल के लिए, जिन वर्ड्स हमको मालूम पड़ता है कि वो मेल के लिए यूज हो रहे हैं, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन और न्यूट्रल जेंडर। कौन से कहलाएंगे वो, मैस्कुलाइन जेंडर, है ना, क्योंकि मेल्स के लिए जो वर्ड आते हैं वो कौन से जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, तो हम बी पर टिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ड विच स्टैंड फॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द, जो वर्ड्स फीमेल के लिए स्टैंड होते हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड विच स्टैंड फॉर प्लेस और थिंग इज सेड टू बी ऑफ द, जो वर्ड जिनसे आपको पता लगता है कि वो किसी प्लेस और थिंग के लिए यूज हो रहे हैं, तो उनको कौन से जेंडर के वर्ड्स बोला जाता है, न्यूट्रल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल जेंडर के वर्ड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स इन कलर फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन एज शोन इन द एग्जांपल। आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस के नीचे यहाँ पर स्पेस दी हुई है, आप लोगों को ये जो कलर्ड वर्ड्स लिखे हैं ना, ये मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स हैं, और इनकी जगह आपको फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स लिखना है, और वापस ये बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर के वर्ड्स की जगह फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स करने हैं, और सेंटेंस को रीराइट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, द किंग लव्ड द प्रिंस वेरी मच। ठीक है, किंग प्रिंस को बहुत प्यार करता था, तो किंग का यहाँ पर द, द तो एज इट इज उतारेंगे हम लोग, किंग का फेमिनाइन क्या होगा, क्वीन, किंग की जगह क्वीन लिख देंगे, द क्वीन लव्ड द, लव्ड द वैसे का वैसे ही उतारेंगे, प्रिंस की फेमिनाइन क्या हो जाएगा, प्रिंसेस, प्रिंसेस वेरी मच, द क्वीन लव्ड द प्रिंसेस वेरी मच। ठीक है, इसी तरह से सारे सेंटेंसेस में हमको करना है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे, माय अंकल हैज टू सन्स, तो अंकल की जगह क्या हो जाएगा, माय ऑंट हैज टू सन्स की जगह क्या हो जाएगा, डॉटर्स, सॉरी मैंने यहां गलती से सन्स लिख दिया है, यहां पर डॉटर्स आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, डॉटर्स, और डॉटर्स के एंड में आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि सन का फेमिनाइन क्या होता है, सन मतलब बेटा, और सन का फेमिनाइन क्या होता है, बेटा का फेमिनाइन क्या होगा, बेटी, सो सन्स, सन का क्या होता है, डॉटर्स। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन टू क्रॉस द स्ट्रीट, सो यहां पर बॉय की जगह फेमिनाइन क्या हो जाएगा, द गर्ल हेल्प द ओल्ड मैन की जगह हो जाएगा वुमेन टू क्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस, माई ब्रदर इन्वाइटेड द जेंटलमैन एट डिनर, सो ब्रदर की जगह फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इन्वाइटेड द, इन्वाइटेड द वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जेंटलमैन की जगह लेडी, जेंटलमैन का फेमिनाइन क्या होता है, लेडी, एट डिनर, वो एट डिनर वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है, वी सॉ अ लायन एंड अ टाइगर एट द जू, इसका आंसर क्या होगा, लायन का फेमिनाइन क्या होता है, लायनेस, वी सॉ अ लायनेस एंड अ टाइग्रेस एट द जू, LIONESS लायन में ESS ऐड कर देंगे, सो लायनेस बन जाएगा, और टाइगर में TIGRESS टाइग्रेस। ठीक है, टाइग्रेस की स्पेलिंग होगी TIGRESS एट द जू, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, सिक्स सेंटेंस, हेयर वॉज द शेफर्ड हु हेल्प द एम्परर, सो हेयर वॉज द शेफर्डेस, शेफर्ड का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, शेफर्डेस, शेफर्ड का मीनिंग होता है गडरिया,
ठीक है. अगर मेल है गडरिया, सो ही विल बी कॉल्ड शेफर्ड, एंड इफ शी इज अ फीमेल देन शी विल बी कॉल्ड शेफर्डेस. ठीक है, सो हियर वॉज द शेफर्डेस हु हेल्प्ड द एम्परर, मीन शासक, हु हेल्प द एम्प्रेस. हियर इसका मीनिंग है हियर वॉज द शेफर्ड हु हेल्प द एम्परर, ये गडरिया है जिसने शासक की या राजा की मदद करी. सो हियर वॉज द शेफर्डेस हु हेल्प द एम्प्रेस. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, इसको मैं पढ़ रही हूँ. ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, ठीक है. अगर आप इसको करेंगे ना तो आपको मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर के वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, इसमें क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फैमिली. आपको आपकी फैमिली पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, एंड अंडरलाइन द मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स. और उसमें जितने भी मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है. एनसर्कल द फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स, और जो फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स आएंगे उन पर एनसर्कल कर दीजिएगा. एंड टिक द न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स, और जो न्यूट्रल जेंडर के वर्ड्स होंगे मतलब जो प्लेसेस और थिंग्स और एनिमल्स, अगर उसमें कुछ भी आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें अगर कोई भी एनिमल्स, थिंग्स या प्लेसेस के नेम आ रहे हैं तो उस न्यूट्रल जेंडर के वर्ड्स को आपको करेक्ट टिक, राइट टिक करना है, ठीक है, इन योर एक्सरसाइज बुक. तो जैसे मान लीजिए आपने आपकी फेयर कॉपी में ये वर्क करिएगा, और फेयर कॉपी में करने के बाद में जैसे आपने अपनी फैमिली पर एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ लिखने के बाद उसमें जो मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स आएंगे उसको आप सर्कल अंडरलाइन कर दीजिएगा, फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स को सर्कल कर दीजिएगा, और न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स को राइट टिक कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये वाला वर्क आपको आपकी फेयर कॉपी में करके और मेरे को सबमिट करिएगा ये वाला वर्क, ठीक है. और इसके अलावा जो हमने आज टू एक्सरसाइजेस इसमें करी है, 13.1A and B, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको बुक में सॉल्व करनी है, ठीक है. तो वर्क करके आप मेरे को अपना वर्क टाइम से सबमिट करिएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.